ओम शांति। आज की तारीख है 18/12/22 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 18/2/93 की मुरली। आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रि संबंध से देखते हैं, यानी तीन संबंध से देखते हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो, वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की आप अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध बाप देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर यहाँ पहुँच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं, आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा, इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का मधुर याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान परमपिता परमात्मा शिव सतगुरु का
कि ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वे दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वो कभी मांगने वाले मांगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।